एंड अदर यूट्यूब वीडियो। बात ऐसी है कि जब भी कोई बाइक का सामान आता है ना, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो आज हमारे पास ये बड़ा सा डब्बा आया है, देख रहे हो, और इस बड़े से डिब्बे में क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये है सबसे पहले एक पैडॉक स्टैंड। इसी की कमी थी मेरे पास गाइस, तीन बाइक्स हो चुकी हैं, तीनों में से एक भी बाइक के ऊपर मैं पैडॉक स्टैंड नहीं लगाता अभी तक। और जब मुझे शूट वगैरह भी करना होता है तो बाइक बिल्कुल सही तरीके से नहीं दिखा पाता हूँ। बट ये चीज़ गाइस जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर आपके पास कोई बाइक वगैरह है तो यू नीड वन फॉर योर बाइक। इसको हम साइड पर रखते हैं, इसको मैं बाद में बताऊँगा, बट जो मेन चीज़ है वो इस डिब्बे में है। तो चलो भाई, इसको वहाँ से यहाँ तक लाना था, इसी में इसकी बस हो गई। तो इसको मैंने खोल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी डिब्बा था। ऑलमोस्ट जितने पैकेजेस देखते हो मैं हमेशा खोल देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल हमें जो बाहर लेके जाना है वो है वो वाला पैडॉक स्टैंड। ऑब्वियसली ये पूरा सामान तो बाइक पर जाएगा नहीं, इसलिए हमने सोचा कि खास खास जो सामान है वो ले जाते हैं। तो भाई साहब, इसमें बहुत सारा कुछ है। ये दो बड़े पैकेजेस हैं हमारे स्पॉन्सर्स हैं जो उन्होंने भेजे हैं। दिस इज़ मोटो एग्रेंडाइज। और गाइज ट्रस्ट मी, मुझे कम से कम 3 साल हो गए हैं मोटो एग्रेंडाइज का सामान यूज़ करते, एंड गाइज आज तक किसी भी सामान में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत मस्त सामान है, चाहे आप फ्रेम स्लाइडर्स की बात कर लो, चाहे टेल टाइडी की बात कर लो, मतलब नंबर वन ब्रांड है। जैसे सुपर बाइक्स के लिए RNG वगैरह है ना, वैसे हमारी छोटी बाइक्स के लिए मोटो एग्रेंडाइज इज़ अ परफेक्ट ब्रांड। तो इस डिब्बे में है हमारे पास, तो भाई इसे हम अभी नहीं खोलते हैं क्योंकि इसमें मुझे पता है क्या है। इसमें हमारी R15V4 है, जो R15M उसकी टेल डाइडी है। तो जिस दिन मेरी बाइक रिपेयर हो जाएगी उस दिन हम उस पर ये लगा देंगे एकदम मस्त वाले इंडिकेटर्स के साथ। तो इसे रखते हैं साइड पे। दूसरी चीज़ भी मोटो एग्रेंडाइज की तरफ से है, और इसमें हमारी रेडिएटर ग्रिल। इसे मैंने खोल रखा ऑलरेडी, तो ये मैं आपको बड़ी दिखा सकता हूँ। रुक जाओ एक मिनट। ये है हमारी बढ़िया क्वालिटी की तेल, ये है हमारी बढ़िया क्वालिटी की रेडिएटर ग्रिल। देख रहे हो क्वालिटी, देख रहे हो गाइस। तो दिस इज़ अ पाउडर कोटेड, और बाकी आपको जो भी लोकल वोकल मिलती है कॉपीज़ वगैरह वो होती हैं नॉर्मल पेंट की गई। तो अगर आपको क्वालिटी वाला सामान पसंद है मेरी तरह, तो भाई मोटो एग्रेंडाइज की ये वाली रेडिएटर ग्रिल ले लो। V3 V4 सब में लग जाती है। तो चलो इसको भी रखते हैं साइड पे और मेन चीज़ पे आते हैं। ठीक, अभी ये जो अगला डिब्बा है ना, ये बहुत बड़ा है, और इसमें क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमने ऑलरेडी पहले की तरह खोल रखा है, और इसमें भैया एक और पैडॉक स्टैंड, क्या बात है। तो गाइस ये मैं चीज़ बता देता हूँ, पैडॉक स्टैंड इज स्पॉन्सर्ड बाय ग्रैंड बाइकर स्टोर। और अगर आपको ग्रैंड बाइकर के ये पैडॉक स्टैंड लेने होंगे, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, सीधा अमेजोन से जाके आप बाय कर सकते हो। बट ऐसे बाय नहीं करना आपको, क्योंकि पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई खास क्या है, क्यों इसे खरीदना है बाकियों को छोड़ के। तो टेंशन मत लो, बाहर चलते हैं आपको दिखाते हैं। एंड बाय द वे, ये दोनों पैडॉक डिफरेंट है, ये आपको डिसअसेंबल्ड हुआ मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, क्योंकि मैं उस दूसरे वाले पैडॉक को देख चुका हूँ। बट ये जो है गाइज, ये लगता है स्पूल्स वाला, स्पूल्स जानते हो ना, जो आपकी बाइक के साइड में लगते हैं। तो चलो बाहर जाके आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है। एंड बाय द वे, ये एक और है पार्सल हमारा छोटा सा, इसमें क्या है ये भी दिखा देते हैं। एंड कुछ हैवी सा है यार, इसमें दम लगा, जोर नहीं है तेरे में। और भाई साहब, ये है हमारा जी रोलर। जी रोलर के बारे में तो आपको पता होगा कि गाइज क्या होता है क्या नहीं, डोंट वरी, अगर नहीं पता तो द डार्क स्पेक्टर इज हियर, आई विल गोना टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। तो भाई साहब ये है बढ़िया वाला जी रोलर, जस्ट लुक एट द ब्रांडिंग गाइज, देख रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम बढ़िया वाला। इसमें आयरन यूज हुआ है, आई डोंट नो, ये शायद जो रोलर्स हैं ये शायद स्टील के हैं, मुझे पता नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। तो गाइज ये जो दोनों चीज़ें हैं, पैडॉक स्टैंड और जी रोलर, ये यूज़ होते हैं आपकी बाइक को पार्क करने के लिए, ठीक है। चलो गाइज ये दोनों दिखाने के लिए आपको मुझे जाना पड़ेगा बाहर, तो बाहर जाके आपको अच्छे से दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे कोई सीरियस वाला शूट किए हुए, सच बता रहा हूँ, घर में बैठे बैठे इतना ज़्यादा आलस आ गया ना कि मन ही नहीं करता कि हमेशा मैं शूट करूँ। और आज हम स्पेशल शूट के ओकेजन पर स्पेशल हेलमेट भी लेके आए, देख रहे हो, रूरॉक एटलस 3.0। अब ऑब्वियसली कुछ अच्छी वाली रील्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी आज, तो नीचे यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जाके फॉलो कर लो जरूर से। तो गाइस बहुत देर से ना हमने कोई सिनेमैटिक वाला शूट नहीं किया, बहुत देर से मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ सिनेमैटिक करूँ, बिकॉज मेरी मेन जो लाइन है ना वो है सिनेमैटिक वीडियोज़ में, मुझे मन होता है भाई मैं वो बनाऊँ। तो हमने एक चीज़ खरीदी थी, और वो है ये DJI Ronin SC, ये हमारी नई वाली गिम्बल। तो बहुत जल्दी हम वीडियो बनाएंगे इससे। फिलहाल जो मेरी बाइक है वो कर रहे हैं हम लोग वॉश, तो वो हो रही है बाहर वॉशिंग पे, जनरेटर ऑन करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर लाइट नहीं है। तो जल्दी से जैसे ही ये वॉश हो जाती है देन हम चलते हैं लोकेशन पे और वहाँ पर जाके वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। अभी तो वेट करो, बाहर चलते हैं फिर बात करते हैं। बाहर आ चुके हैं, और ये है हमारा लड़का नया वाला रेक्स, और ये भाई गेमर है, पेशे से ही गेमर हो ना। हाँ जी, बिल्कुल। और ये हमारे साथ जिम में जाता था, हमें मिल गया,
सामने से बोला चल हमारे साथ वीडियो शूट कर ले। वैसे बहुत तगड़े वाले मॉन्टेजेस बनाता है, पबजी के बनाए थे, वैलोरेंट के, सबके। और गेमिंग चैनल से याद आया भाई, मेरा भी गेमिंग चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, स्पेक्टर प्लेस करके भाई सब्सक्राइब कर लो। तुम सब्सक्राइब नहीं करते, उधर भी ऑडियंस बना दो, फिर हम भी लाइव स्ट्रीम शुरू कर देंगे एज एन अल्टरनेटिव चैनल बैकअप। बाई चांस ये वाला चैनल हैक हो जाए तो कल को वो वाला चला लेंगे। तो बेवकूफ़ी देख रहे हो एवी की, उसे मैंने कहा था कि पेडॉग स्टैंड भी लेके आना और वो वहीं पर दुकान पे छोड़ के आया। अब भेज रहा हूँ इनको, लेके आएंगे देन हम वीडियो अपना कंटिन्यू कर पाएंगे। आप मेरी V3 को देखोगे ना, एकदम परफेक्टली शाइन कर रही है। वो लोग स्टैंड लेके आ गए हैं, जब तक वो आते हैं तब तक मैं आपको बता लेता हूँ। तो इसमें जो हमने सेरेमिक कोटिंग करी थी उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल गए, बिल्कुल ही एकदम क्लियर कोट की तरह ऊपर सेरेमिक चिपकी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखती है। ऑब्वियसली हमारे पेंट को लंबी लाइफ दे रही है, ड्यूरेबिलिटी दे रही है, तो बहुत सही चीज़ है ये, हमने उस टाइम पे करा ली थी। और अभी तक मेरी V3 ना बिल्कुल फ्रेश लगती है जब से पेंट कराई हुई है। एनीवेज और भी कुछ चेंजेस करने थे, बट फिलहाल मेरा ये है कि मैं जल्दी से अपना V4 का जो प्रोजेक्ट है R15M का वो कंप्लीट कर लूँ। तो प्रोजेक्ट स्कार बहुत जल्दी आने वाला है गाइज, उसका सामान मैंने आपको दिखा दिया, टेल टाइडी आ चुकी है, बाकी सारा सामान ऑन द वे है, तो वो वाला प्रोजेक्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो एनीवेज गाइज, हमारा सामान हमारे पास आ चुका है। सो दिस इज़ द पेडॉग स्टैंड विच वी आर हैविंग, और इसको खोल के ही दिखाना पड़ेगा आपको, बिकॉज ऐसे तो आपको कुछ समझ आएगी नहीं। काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वालिटी है यार, ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा ही होगी जिस तरीके का ये हैवी है। हैवी इसको खोल सकता है क्या? तो यार पिछले 3 घंटे से मैं लगा हूँ, तो बहुत ख़तरनाक वाली पैकिंग होके आई है। पैकिंग एक तरीके से अच्छी चीज़ भी है कि हमारी चीज़ ख़राब नहीं होती, बट इसको निकालने तकलीफ भी बहुत है। तो इनकेस अगर आप निकालो भाई, ऐसा पेडॉग स्टैंड मंगाओ अगर आप, तो ध्यान रखना कहीं एक सिरे से पकड़ के इसको उतारना, वरना पूरे में मैस्ड अप हो जाओगे। फाइनली 4-5 घंटों के बाद ये हमारा निकल गया पेडॉग स्टैंड। भाई बहुत ख़तरनाक वाली पैकिंग थी, और यही ज़बरदस्त पैकिंग है जो आपको बचाती है। दिस इज़ अवेलेबल ऑन Amazon, तो Amazon से आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाय कर लो। और ये सबसे चीपेस्ट, मतलब बेस्ट क्वालिटी में और सबसे सस्ता पेडॉग स्टैंड है। ग्रैंड बाइकर का मेन जो मोटिव है वो ये है कि जिनके पास भी बाइक है उनके पास पेडॉग स्टैंड होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए ये मैं आपको अभी जब लगा के दिखाऊंगा ना बाइक पे, तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों होना चाहिए। एंड वेल गाइज, ये जो पेडॉग स्टैंड है ये बहुत अच्छी हैवी क्वालिटी के आयरन पाइप में आता है आपको, और लिटरली जितनी मर्जी हैवी आपकी बाइक हो ये ऑलमोस्ट सारी बाइक्स को सपोर्ट कर लेगा। एंड जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना इस पेडॉग स्टैंड की, वो ये है कि ये यूनिवर्सल पेडॉग स्टैंड है। आप चाहे कोई भी बाइक ले आओ जिस पे भी स्विंग आर्म है, ऑब्वियसली स्विंग आर्म हर बाइक पे होता है, तो ये एडजस्ट हो जाता है, मतलब आपको स्पूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और स्पूल्स कहाँ लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसको ले आते हैं वहाँ पर, काफ़ी हैवी है भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है ये। बाय द वे, ये जो स्विंग आर्म में आप छेद देखते हो ना, ये होते हैं स्पूल्स लगाने के लिए। इसमें आप स्पूल्स लगाओगे एंड देन आपका स्विंग आर्म इसको उठा पाएगा, बट इस स्विंग आर्म में स्पूल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई क्या लगता है, अकेले लग जाएगा ये स्टैंड? जब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। ऐसे आपकी बाइक एक तरफ ऐसे मुड़ी हुई रहती है, झुकी हुई रहती है, हमें झुकी हुई बाइक पसंद नहीं है। सो व्हाट वी विल गोना डू इज़, हम इस पे लगाएंगे पेडॉग स्टैंड एंड देन आपको दिखाते हैं कितने मस्त लगता है ये। मेरी ना ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि अब मैं इसको अकेले पेडॉग स्टैंड लगा सकता हूँ। वेल लेट्स चेक इट आउट। सो वेल गाइस, ये है हमारा पेडॉग स्टैंड, और यू नो ये जो चीज़ है ये आएगी आपको दोनों साइड से आपके स्विंग आर्म पे। बाइक आपके पास चाहे जो मर्जी हो, यहाँ पर इन्होंने एडजस्टेबल सेटिंग्स दे रखी हैं। आपको ये पिन निकालनी है अपने बाइक पे, जो सेटिंग इसमें अलग अलग छेद हैं, जो सेटिंग आपकी बाइक से बेस्ट बैठती है उस पर आप इसको सेट कर दो, देन यू आर गुड टू गो। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये रोलर्स आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ग्लॉसी ग्लॉसी से हैं। तो चलो लगा के देख। जैसे ही आपने इसको दोनों साइड पे सेट कर लिया हो, ये देख रहे हो ये पॉइंट आपका स्विंग आर्म पे आ रहा है, यहाँ पर आपको ये लॉक लगा देना है। दूसरे साइड से भी दिखा दिया, यहाँ से भी ये लग चुका है, और ये आप अकेले ही कर सकते हो। ये प्रॉपरली हमारा स्टैंड अभी लगा सकते हैं, और इसको लगाने के लिए आपको दम की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली इसको यहाँ पर हाथ रखो एंड देन, और भाई ये आपका लग चुका है पेडॉग स्टैंड। अब बताओ कितनी सेक्सी लग रही है ना बाइक, तुम्हें तो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आपको ये बी रोल देखना पड़ेगा। वेल गाइज, ये है जी रोलर हमारा, मैंने पहले ही आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दी थी कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो वेल, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है जैसा कि आपको देखने में पता चल ही गया होगा, बट व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज हम इसको करेंगे अपनी बाइक में यूज़। तो चलो जल्दी से पेडॉग स्टैंड से हटाते हैं एंड देन फिर करते हैं। तो इसका मेन पर्पज़ होता है गाइज हमारी बाइक का, जब हम चेन वगैरह क्लीन करते हैं, जब भी हम चाहते हैं कि हमारा पिछला टायर फ्रीली रोटेट करे, तब हमें इसका यूज़ होता है। तो फिलहाल हम इसको हटाएंगे पहले स्टैंड को। अब देखो ये छोटा सा बच्चा ये निकाल लेगा, अब इसको ऊपर उठाना है, उठा दे बस। ये गाइज ऐसे स्टैंड निकल गया हमारा, ये गाइज यहाँ पे आ गया।
तो गाइस इसे कुछ नहीं आता है, बस ओवर एक्टिंग करा लो। बहुत दिनों से बोल रहा हूँ वीडियो एडिट कर ले, वीडियो शूट करा ले, बट कराएगा नहीं। तो गाइस ये हमारा जी रोलर, ये भी ग्रैंड बाइकर से है, इसका भी परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ ये करता क्या है। रेक्स एक साइड से बाइक उठा। गाइस ये देखो, ये परफेक्टली अब हम अपने टायर को यहाँ से घुमा सकते हैं, फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ये देख रहे हो। और ये गाइस काम आता है, अगर मान लो आपको अपनी बाइक को चेन ल्यूब करना है या क्लीन करना है, आप चाहते हो पिछला टायर आपका फ्री रोटेट करे, तब इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बाकी यार जो मर्जी कह लो, ये टायर सेक्सी लगता है, पेडॉक पे तो 10 गुना ज़्यादा और अच्छा लगने लग गया है ना, सेक्सी लग रहा है अब। गाइज दिस इज़ डन नाउ। एंड गाइज बाय द वे गाइज, ये तो छोटी वीडियो थी, मैं बड़ी वीडियो का वेट कर रहा हूँ कि हम अपने स्कार में क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आपके पास कोई सजेशन हो स्कार के लिए, मतलब R15 V4 के लिए, देन आप ड्रॉप कर दो कमेंट नीचे कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, ठीक है। एंड पेंट करना चाहिए कि नहीं इस बार, ये भी बता दो। कैन यू सी दैट भाई, बर्न आउट हो जाए बिना टायर जलाए, बर्न आउट, ये देख रहे हो। ये होता है गाइस जी रोलर, मतलब जो हमारा टायर है वो घूम रहा है, बट घूम इसी के ऊपर रहा है। वाह मजे आ गए। तो अगर आपको भी इच्छा हो कभी कि आपको टायर हार्म किए बिना बर्नआउट मारनी है, देन यू कैन ट्राई दिस मेथड, बाय अ जी रोलर एंड डू दिस। इनकेस अगर आपको भी ये चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन से मंगा सकते हो, काफ़ी हैवी क्वालिटी का है गाइज। तो पर्सनली मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, अब मैं घर पे चेन ल्यूब वगैरह तो कर ही सकता हूँ, प्लस एडिशनली पार्क करने के लिए भी मेरे पास बेटर ऑप्शन है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर ऐसे और भी आपको वीडियोस चाहिए हो तो सब्सक्राइब याद से कर लो, बेल आइकन दबा लो, एंड और क्या भाई, बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में गाइज, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।